जम्मू श्रीनगर हाईवे आज यातायात के लिए बंद है। हाईवे पर जिला रामबन के अधीन आने वाले मोमपस्सी इलाके में पहाड़ से दरक कर सड़क पर लगातार पस्सियां गिरने का सिलसिला जारी है और यही वजह है कि आईजी ट्रैफिक ने एक आदेश जारी कर यातायात को आज बंद रखने का फैसला लिया है। हालांकि हाईवे पर फंसी गाड़ियों को आज ही सिलसिलेवार ढंग से वहां से निकाला गया, जिसके लिए ट्रैफिक पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। जम्मू कश्मीर में मौसम के तेवर एक बार फिर से बिगड़ गए हैं और इसकी मार जम्मू श्रीनगर हाईवे पर पड़ी है। हाईवे बंद रहने से आज ना तो जम्मू और ना ही श्रीनगर से जम्मू की ओर किसी गाड़ी को आगे बढ़ने की इजाजत दी गई। भारी बारिश और बर्फबारी की सूरत में हाईवे अनिश्चितकालीन के लिए बंद हो सकता है, जिसके चलते सबसे ज्यादा दिक्कतें कश्मीर की ओर जरूरी रसद ले जा रहे ट्रक चालकों को भुगतनी पड़ सकती है। दूसरी ओर मुगल रोड और लेह कारगिल रोड भारी बर्फबारी के कारण अभी भी बंद है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ नदीम इकबाल फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नदीम, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जिस तरीके से मौसम का मिजाज एक बार फिर से बिगड़ गया है, इसके चलते हाईवे को बंद करने के आदेश जारी किए गए, ऐसे में जाहिर सी बात है लोगों को काफी दिक्कत हो रही होगी। जी बिल्कुल करिश्मा, देखिए अगर नेशनल हाईवे की बात करें तो मौसम में बदलाव होने के साथ साथ ही नेशनल हाईवे पर डिफरेंट प्लेसेस पे शूटिंग स्टार और लैंडस्लाइड का सिलसिला देखने को मिलता है। अभी भी अगर आज की हम बात करें, आज सुबह से ही डिफरेंट प्लेसेस, हम रामसू और पंटियाल की बात करें तो वहाँ पे शूटिंग स्टार और लैंडस्लाइड मडस्लाइड का सिलसिला अभी स्टार्ट हो गया और इन सब चीजों को देखते हुए वहाँ पे मैन एंड मशीनरी दोनों को अवेलेबल रखा गया और जो स्टैंडर्ड व्हीकल्स है, क्योंकि कल की बात करें तो कल ट्रैफिक को कश्मीर की तरफ चलने की इजाजत थी। जो भी गाड़ियां जिन्होंने जखैनी क्रॉस किया हुआ है, कुछ गाड़ियां रास्ते में रुकी पड़ी थी, अभी ट्रैफिक पुलिस की ये कोशिश है कि जो भी स्टैंडर्ड व्हीकल्स हैं इन बिटवीन जेटी एंड उधमपुर, तो उन सभी गाड़ियों को इस वक्त निकाला जा रहा है, क्योंकि जहां पे भी शूटिंग स्टोन हो रहा है, कहीं पे जो माइनर लैंडस्लाइड्स है उनको क्लियर करके, और ये कोशिश की जा रही है कि अगर मौसम ज्यादा खराब होता है, क्योंकि बर्फबारी का सिलसिला भी जवाहर टनल और बानीहाल के इलाकों में हो रहा है अभी, तो अगर ज्यादा बर्फ होती है तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है और ज्यादा देर तक रोड बंद रहेगी, तो इसीलिए इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए अभी रोड को क्लियर किया जा रहा है और जो भी स्टैंडर्ड व्हीकल्स है उन्हें अपनी अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जाने की इजाजत दी जा रही है, ताकि अगर ज्यादा देर तक रोड बंद रहती तो जो स्टैंडर्ड पैसेंजर है जो नेशनल हाईवे पर रहते हैं उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, लेकिन गाड़ियां ऐसे निकाली जाए ताकि उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो अपनी अपनी मंजिलों तक पहुंचे, अपनी अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचे और उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो उन्हें फेस ना करनी पड़े, जो कि हमने देखा है कि गुजशत दिनों पिछले दिनों हमने देखा काफी ज्यादा प्रॉब्लम स्टैंडर्ड व्हीकल्स को फेस करनी पड़ती, चाहे वो ड्राइवर से पैसेंजर्स को, लेकिन आज इन सब चीजों को कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रेक्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल नदीम, क्योंकि इस तरीके से जब हाईवे बंद होता है तो वहाँ पे जो तमाम ट्रक्स खड़े होते हैं उनके जो ड्राइवर्स होते हैं उनकी भी शिकायतें आती रहती हैं कि वो हफ्ते हफ्ते तक इस तरीके से हाईवेज पे फंसे रहते हैं, ना उनके पास खाने की सुविधा होती है, ना ही वहाँ पर कुछ शॉप्स होती है, तो ऐसे में उन्हें काफी दिक्कत हो जाती है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हम बात करेंगे, क्योंकि अक्सर नेशनल हाईवे पे जब से कंस्ट्रक्शन का काम चला है तो उसके बाद अगर इसके किनारे पे कुछ दुकानें हुआ करती थी, कुछ होटल्स वगैरह हुआ करते थे, लेकिन अब जब कंस्ट्रक्शन का काम चला तो काफी नैरो जगह है यहाँ पे, तो उस वजह से सारी जो दुकानें थी, जो भी बिजनेस यूनिट्स थे वो डिस्ट्रॉय हो गए, और उसके बाद अभी अगर हम उधमपुर और बानीहाल के दरमियान की बात करें तो काफी कम दुकानें और होटल्स वगैरह मिलते हैं नेशनल हाईवे पर, तो ये जाहिर सी बात है कि जो स्टैंडर्ड पैसेंजर्स होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, उन्हें तो प्रॉब्लम्स रहती है और उन्हें खाने पीने की चीजें नहीं मिलती, और इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि पिछले दिनों जब एडमिनिस्ट्रेशन ने देखा, ट्रैफिक पुलिस ने देखा कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स रहती है हाईवे पर फंसे लोगों के लिए, तो आज ये कोशिश की जा रही है ताकि कोई भी पैसेंजर, कोई भी गाड़ी नेशनल हाईवे पर स्टैंडर्ड ना रहे, उनको क्लियर किया जा रहा है टुवर्ड्स कश्मीर, जो गाड़ियां जा रही है उन्हें निकाला जा रहा है और जो जम्मू की तरफ कुछ गाड़ियां जा रही है उन्हें निकाला जा रहा है, और आज फ्रेश ट्रैफिक को कहीं से भी एलो नहीं किया है, चाहे हम जम्मू की बात करें या फिर श्रीनगर से किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं है, जो स्टैंडर्ड है उन्हें ही अपनी अपनी डेस्टिनेशन की तरफ निकाला जा रहा है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद नदीम तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से मौसम के हालात थोड़े बिगड़ गए हैं, जिसके चलते एहतियातन के तौर पर एक दिन के लिए हाईवे को बंद कर दिया गया है।